हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका जो यूज़ होने वाला है। एक्चुअली ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बट इसका यूज़ हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स में एज वेल एज केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज़ रहती है वो डेसिमल पॉइंट्स में रहती है। सपोज एग्जाम्पल बात करता हूँ तो मैं 2.813 × 3.162, इसको अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तो हम लोगों को कैलसी का यूज़ करना होगा। बट एग्ज़ाम में तुम्हें आपको कैलसी दी नहीं होती है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करना है? तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग बेसिक लॉग के रूल्स की का यूज़ करते हैं। लॉग टेबल जो आपको दिया जाएगा बोर्ड्स एग्ज़ाम में, उसका यूज़ करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को। तो देखते हैं, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग चालू करते हैं ब्रांड न्यू टॉपिक ऑफ यूज़ ऑफ लॉगरिदम टेबल। अभी ध्यान दो, टॉपिक चालू करने से पहले आपने देखा रहेगा कि मैं यूज़र इंटरफेस कुछ नया यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली आई हैव रिप्लेस्ड माय ओल्ड व्हाट यू कॉल्ड वाइट बोर्ड विद अ डिजिटल बोर्ड, एज वेल एज आपको साउंड भी बहुत क्लियर आई रहेंगी। तो बट ऑब्वियसली फ्लेक्स तो करना ही है, माइक भी मैंने ले लिया है तो इसलिए आपको साउंड भी एकदम क्लियर आ रही है। तो आज से हम लोग डिजिटली पढ़ेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो डिजिटली पढ़ाया जाएगा और इट विल बी फन। हम लोग डूडल्स के थ्रू पढ़ेंगे, हम लोग अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे, हम लोग अलग अलग स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ेंगे। तो एक फ़न लविंग सेशंस होने वाले आगे के सारे लेक्चर्स। तो देखते बेसिक्स रूल्स ऑफ लॉगरिदम में पहला पार्ट, हम लोग रूल्स पढ़ने वाले, सबसे पहले रूल्स पढ़ने वाले। तो यहाँ पे अशोक सर का लेक्चर आपने अगर देखा नहीं रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉगरिदम वाले जो लेक्चर सुन के हो चुके उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ लॉगरिदम। तो देखते सबसे पहले बेसिक रूल्स ऑफ लॉगरिदम में पहली बात की है लॉग ऑफ ए इंटू बी की। तो हम लोगों को पता है, अगर आप लोग अशोक सर के लेक्चर्स देखोगे तो वहाँ पे हम लोग को ये पता है कि लॉग ऑफ ए इंटू बी होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। सिमिलरली लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई बी होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। क्लियर है? मैं वापस बोलता हूँ, लॉग ऑफ ए इंटू बी होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई बी होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे लॉग ऑफ ए रेस टू बी की, तो ये बी वाला टर्म जो होता है वो आगे जाता है, तो ये बनता है बी लॉग ऑफ ए। क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? लॉग ऑफ ए इंटू बी होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई बी होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। अगर लॉग ऑफ ए रेस टू बी की बात करूँगा तो ये बनता है बी लॉग ऑफ ए। क्लियर है आपको? ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ बी लॉग ऑफ ए। लॉग ऑफ वन की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है, लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ बी, इसका रूल जो होता है वो ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ बी जो कि होता है वन, लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ बी जो कि होता है वन। क्लियर है? अभी सिमिलरली रूल अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा के लॉग ऑफ बी टू द बेस बी, लॉग ऑफ बी टू द बेस बी की वैल्यू कितनी है वन, तो इसकी भी वैल्यू कितनी रहेगी वन, तो आंसर क्या आएगा के। तो हम लोगों ने 6 रूल बेसिक रूल देखे। सबसे पहले लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ बी की वैल्यू है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई बी की वैल्यू है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए रेस टू बी की वैल्यू है बी लॉग ऑफ ए। सिमिलरली लॉग ऑफ वन की वैल्यू देखेंगे तो वो हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, लॉग ऑफ बी टू द बेस बी होता है लॉग ऑफ बी डिवाइड बाई लॉग ऑफ बी। एक्चुअली रूल ये बोलता है कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी होता है लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी, उसके थ्रू हम लोग ने लिया बी टू द बेस बी लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ बी जो कि होता है वन। सिमिलरली लॉग ऑफ बी टू द बेस बी रेस टू के होगा के, जो ये रूल के हिसाब से बी यहाँ पे आया था वैसे ये के यहाँ पे आएगा, ये बी कैसे यहाँ पे आया था
वैसे कि यहाँ पे आ गया और बाद में सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया रहेगा कि मैंने क्या किया ये वाले पार्ट में। तो हम लोग अभी कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि यहाँ पे बेसिक्स न्यूमेरिकल्स में क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व करते हैं वो वाला पार्ट देखेंगे। तो आपको क्या करना है, ये एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। यूजेस ऑफ लॉगरिथम टेबल पहले हेडिंग डाल दो, उसके बाद बेसिक रूल्स ऑफ लॉगरिथम देखो, वापस एक बार वीडियो को रिवाइंड करके वापस अच्छी तरीके से देखो और बाद में ये कॉपी करके लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो हम लोग एक बेसिक देखेंगे कि हम लोग लॉगरिथम टेबल को कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी बेसिक चीज़ों की बात करूँगा। हम लोग लॉग टेबल का यूज़ स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 3/4 रूट ये भी निकालने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो लॉग की ये प्रॉपर्टी है ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक नंबर्स की, जिसके हम लोग लॉग टेबल की लॉग वैल्यू निकालेंगे। अभी ध्यान दो, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली क्रॉप पार्ट है आपके लॉग टेबल का। तो अगर किसी के पास लॉग टेबल नहीं रहेगा तो प्लीज़ अभी वीडियो को पॉज करो, जाके लॉग टेबल को परचेस करो। हाँ, बट ऑब्वियसली अगर ये वीडियो को रात को देखते रहेगा तो प्लीज़ अभी मत जाना, अभी तो कोई जनरल स्टोर ओपन नहीं रहेगा। बट नॉर्मली अगर दिन में देख रहे हो या फिर शाम को देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, हार्डली 14 रुपीज़ का लॉग टेबल रहेगा। बट अगर लॉग टेबल आप लेते नहीं है तो लॉग टेबल के अलावा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे और कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो। तो मैं बताता हूँ पहले लॉग टेबल क्या होता है। सबसे पहले तो आपके पास भी यही लॉग टेबल रहेगा जो मेरे पास, ये मैंने PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। तो ये आपको लॉग के वैल्यू से देखो, यहाँ पे लॉग की वैल्यू से, तो यहाँ पे जो लॉग के पहले दो डिजिट रहते हैं वो पहले कॉलम में देखने होते हैं, यहाँ पे ये वाले फर्स्ट वाले कॉलम में, जो यहाँ पे अगर मैं जूम करके देखता हूँ तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला, ये वाले जो है ये पहले दो डिजिट होते, ये पहले दो डिजिट होते। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं बात करूँगा पहले दो डिजिट की, तो ये पहले दो डिजिट होते हैं, उसके बाद तीसरा डिजिट यहाँ पे होता है और चौथा डिजिट यहाँ पे होता है। तो पहले दो डिजिट जो होंगे वो फर्स्ट कॉलम में होंगे और सेकेंड दो डिजिट जो भी डिजिट रहेगा वो आगे के कॉलम्स में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके इन शॉर्ट यहाँ तक, और जो लास्ट डिजिट रहेगा वो ये वाले कॉलम में रहेगा। क्लियर है, पक्का? तो हम लोग एक्चुअल लॉग का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे निकाला गया है, मैं बताता हूँ। अभी देखो, मैंने क्लोज़ टू क्लोज़ वाली वैल्यू ली है, सारे क्लोज वैल्यू ली है, जिससे अपने को एक ही स्क्रीनशॉट में सारी चीज़ें निकल सकते हैं। बट हम लोग अलग अलग के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो, अभी मैं भी इसको जूम कर देता हूँ। सबसे पहले क्या बोला गया, लॉग ऑफ 2.463, लॉग ऑफ 2.463, एक सेकेंड, लॉग ऑफ 2.463। अगर लॉग ऑफ 2.463 की बात करूँगा तो मुझे बताओ, ये वाला नंबर है 2463, तो पहले दो डिजिट रहेंगे ये वाले, पहले दो डिजिट जो रहेंगे ये वाले, ये मुझे यहाँ पे मिलेंगे 24। उसके बाद जो सेकेंड वाला डिजिट रहेगा, ये वाला डिजिट तो कहाँ से चालू होगा, एक बार वापस देख लेते हैं ऊपर के डिजिट्स कौन से हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे डिजिट्स हैं। तो पहला जो कॉलम था, पहला जो कॉलम था वो 0 का कॉलम था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है? तो नंबर कौन सा है, उसके बाद वाला नंबर कौन सा है, उसके बाद वाला नंबर है 6। तो 6 नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिख रहा है।
ये है 3909, दिख रहा है 3909। ओके, तो हम लोग पहले लिखेंगे 3909, मतलब 3909। ओके, ये लिखने के बाद अभी मुझे बताओ लास्ट डिजिट कौन सा है। लास्ट डिजिट जो है वो कौन सा है, लास्ट डिजिट है 3। अगर लास्ट डिजिट 3 है तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं पीडीएफ में ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक एक दो तीन, तो लास्ट डिजिट यहाँ से ढूंढते हैं हम लोग, यहाँ से ढूंढते हैं लास्ट डिजिट, तो 3 1 2 3 स्टार्टिंग वन से चालू होता है, ये वाले इसमें से 0 से चालू हो रहा है, तो वैसे यहाँ पे किस में से चालू हो रहा है, 1 2 3 से चालू हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँगा, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये जो बन जाएगा 3 4 5 6 7 8 9। अभी ध्यान दो, जब भी कोई चीज़ दी नहीं रहेंगी, जब भी कोई चीज़ दी नहीं रहेंगी तो मेन डिफरेंस में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो मेन डिफरेंस हम लोग कभी भी मेन डिफरेंस में मेंशन नहीं किया गया है तो मेन डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मेन डिफरेंस को क्या करेंगे, ऐड। तो मेन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, ये 5 है, देखो ना, हम लोग को 3 निकालना है, ये वाला 3 निकालना है, तो 3 यहाँ पे, वो कहाँ पे 5, उसका जो मेन डिफरेंस कितना है 5। तो मुझे बताओ 3909 में कितना ऐड करूँगा मैं, 5 ऐड करूँगा। 3909 में कितना ऐड करूँगा मैं, 5 ऐड करूँगा। अगर 3909 में 5 ऐड किया, 3909 में 5 ऐड किया तो ये बनेगा 9 + 5 हो गया, ये आ गया 14, ये आ गया 1 9, और ये आ गया 3 पॉइंट। अभी ध्यान दो, यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट है। ये मुझे बताओ फ़िलहाल के लिए कि डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, 1। जो 2 नंबर जो है वो एक अकेला डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे मन में, ये 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाता है 0। अभी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा आपको, बट मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बराबर से बता दूंगा। वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या किया, लॉग ऑफ 2.463, इसका लॉग निकालना है। सबसे पहले जो रेड मार्क किया है मैंने, रेड, वो पहले 2 डिजिट यहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे बताता हूँ, रुको एक मिनट, यहाँ पे मिलेंगे, ये वाला दिख रहा है 2.424। उसके बाद 6 वाला जो डिजिट था वो कहाँ पे मिलेगा, वो कुछ यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला। उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की, उसके बाद के बात की हम लोगों ने 6 के बाद बात की 3, वो आगे वाले इसमें मिलेगा, आगे वाले रोज़ में मिलेगा, तो आगे वाले रोज़ में मीन डिफरेंस वाले रोज़ में मिल गया, वो कितना है 5। तो 3909 में कितना ऐड करूँगा मैं, 5 ऐड करूँगा, तो ये 3914। मुझे बताओ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, 2 नंबर लिखा हुआ है, बट डिजिट कितना है, डिजिट कितना है, 1 डिजिट है, डिजिट कितना है, 1 है। अगर डिजिट 1 रहेगा तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये मेरी जो फाइनल वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी, लॉग की मेरी फाइनल वैल्यू रहेगी, ये वाली। तो ये है लॉग ऑफ 2.463। आगे वाले न्यूमेरिकल में देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ये 0.3914 ये मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.3914। एक सेकेंड, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा ज़्यादा। 0.3914, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे बताया गया है कि लॉग ऑफ 26.25, लॉग ऑफ 26.25, पहले 2 डिजिट कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, बराबर है। उसके बाद 2 जो नंबर है वो यहाँ पे मिलेगा, ये देखो यहाँ पे देखा, और उसके बाद 5 बोला मतलब वो यहाँ पे मिलेगा, तो 2 वाला जो नंबर है, 26 वाला नंबर है जो ये वाला है 4183, तो यहाँ पे क्या लिखोगे अपन, 4183। ए 4183 में जो मेरा मेन डिफरेंस है वो कितना है, 8 है, तो 8 ऐड करूँगा यहाँ पे, कितना आएगा 8, अगर ऐड करूँगा तो ये 11 आएगा, ये 1 8 + 1 9 1 4, क्लियर है।
अभी डेसिमल के बाद, ये मुझे बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? दो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? दो। टू माइनस वन कितना आता है? वन। तो लॉग ऑफ 26.25 की वैल्यू जो है वो है 1.4191। क्लियर है आपको ये वाला पार्ट क्या है? आगे वाले न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं, आगे वाले न्यूमेरिकल पे। पहले मैं ये रफ कर लेता हूँ यहाँ का। मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, मैं वापस लिख लेता हूँ नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापिस नंबर लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और यहाँ पे रेड जो था वो ये भी लिख लेते, सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ। ओके ध्यान दो। अभी नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? नेक्स्ट बोला है ये कि लॉग किसका निकालने बोला है? 234.3। उसमें से पहले दो डिजिट रहेंगे, पहले दो डिजिट की बात करूंगा तो मैं रेड मार्कर से करता हूँ। पहले दो डिजिट है वो यहाँ पे मिलेंगे, मिल गए। उसके बाद सेकेंड थर्ड जो डिजिट है वो यहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ पे मिल गया। तो ये वाला तो पक्का हो गया, ये वाला कॉल रो गया और ये वाला कॉलम हो गया, तो ये आ जाएगा 3692। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3692। अभी मुझे बताओ 3692 लिखने के बाद अभी क्या रह गया? फोर और थ्री। फोर तो आ गया है, फोर तो यहाँ पे आ गया, थ्री रह गया। थ्री मेन डिफरेंस के कॉलम में कितना आ रहा है? छः। तो प्लस अगर सिक्स करूँगा तो ये आएगा एट। एक मिनट थोड़ा ऊपर लिखते, प्लस सिक्स करूँगा तो ये आएगा एट, और ये नाइन, और ये आएगा सिक्स, और ये आएगा थ्री पॉइंट। अभी मुझे बताओ डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? डेसिमल के बाद तीन डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे? थ्री माइनस वन। हम लोग हमेशा माइनस वन करते हैं डेसिमल के बाद, जितने डिजिट रहेंगे उसमें हम लोग क्या करते हैं? माइनस वन करते हैं। अगर थ्री माइनस वन करूँगा तो यहाँ पे आएगा टू। तो आंसर क्या आएगा? 2.3698। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ क्या आएगा। आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो इसकी वैल्यू जो है 1.4191 है, और इसकी जो वैल्यू है 2.3698 है। अभी आगे जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? लॉग ऑफ 21.75। लॉग ऑफ 21.75 करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे ये वाले टेबल पे। कौन से? लॉग टेबल पे जाएंगे। तो पहले दो डिजिट है, पहले दो जो डिजिट है वो क्या है? पहले जो डिजिट है वो 21 है। 21 मतलब यहाँ पे बराबर है। ओके थर्ड जो डिजिट है वो 7 है। 7 यहाँ पे बराबर है ये वाला, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। मतलब क्या आएगा? 3365 आ गया। अभी मुझे बताओ इसमें लास्ट वाला डिजिट क्या है? लास्ट वाला डिजिट है 5। तो लास्ट वाला डिजिट कहाँ पे देखते हैं हम लोग? मेन डिफरेंस के कॉलम में देखते हैं। तो 5, तो ये कितना ऐड होगा? 10। तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आएगा 3, ये आएगा 3 पॉइंट। ये मुझे बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? दो डिजिट है, ये वाले दिख रहे 2 1। तो 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1। तो आंसर क्या 1.3375। फाइनल आंसर क्या रहेगा? 1.3375। क्लियर है आपको ये वाला पार्ट? कॉपी कर लो लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, तो मैं ये रफ कर लेता हूँ। आपका कॉपी हो गया तो मैं ये रफ कर लेता हूँ, अगर कॉपी नहीं किया रहेगा तो रिवाइंड करके कॉपी कर लो। ओके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? मतलब ये लॉग का लास्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, आपको लॉग का जो टेबल है वो इसके अलावा और भी टेबल आ सकते, जो मैंने आपको दिखाया था उस टेबल में से कुछ भी आ सकता है। मैं स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए मैं ये एक ही टेबल ले रहा हूँ, तो आपको कुछ भी आ सकता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि यही लॉग टेबल में से आएगा। दो पेजेस में कोई भी नंबर आ सकता है। मैं फिलहाल 20 से लेके 28 तक
यहाँ तक का ही टेबल ही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2542। अगर 2542 बोलूँगा तो पहले दो डिजिट रहेंगे, पहले दो डिजिट रहेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, वो फर्स्ट कॉलम में मिलेंगे, मतलब यहाँ पे। फोर मतलब यहाँ पे मिलेगा, इसके नीचे वाला पार्ट, बराबर है। और टू मतलब यहाँ पे रहेगा, इसके नीचे वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट। तो अगर मैं लिखता हूँ तो आएगा 4048 प्लस 4, ये आएगा 4052 डेसिमल। ओके, मुझे बताओ कितने डिजिट है टोटल। इधर ऐसे ज़ीरो लिख सकते, तो टोटल कितने डिजिट है, टोटल डिजिट है 4। तो 4 - 1 कितना आएगा, 3। तो लॉग ऑफ 2542 कितना आता है, 3.4052। आपके तसल्ली के लिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, लॉग ऑफ 2542 हम लोग निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो हम लोग कैलसी से सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ 2542 क्या आ रहा है, 34051। देखो 34052, क्लियर है आपको ये वाला पार्ट। तो ये होता है लॉग। तो लॉग के बाद हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, वो रहेगा एंटी लॉग। एक बार वापस एक बार चेक करो, अलग अलग नंबर से सॉल्व करो, लॉगरिथम की जो वैल्यूज रहेगी अलग अलग नंबर से सॉल्व करो, और उसके बाद उसको कैलसी से भी सॉल्व करके देखना आंसर सेम आता है कि नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा एंटी लॉग। फिर लॉगर एंटी लॉग के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि एंटी लॉग की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। तो एंटी लॉग वाले पार्ट पे जाते हैं, कुछ मैंने एंटी लॉग की वैल्यूज़ लिखी हुई है। तो ये जो एंटी लॉग के नंबर्स, मतलब जो डिजिट्स है, उसके हमें एंटी लॉग निकालने हैं। तो वो जाने से पहले हम लोग पहले देख लेते कि एंटी लॉग टेबल होता क्या है। ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पे आप जाओगे, अगर आपके लॉग टेबल पे जाओगे तो एंटी लॉग टेबल कुछ ऐसे दिखेगा यहाँ पे। तो एंटी लॉग टेबल कुछ ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं किया, तो मीन डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब तक कि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया जाता है, तब तक मीन डिफरेंस को, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा नहीं होता। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं कहीं पे सब्ट्रैक्ट भी लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सब्ट्रैक्ट। तो ये नेचुरल कॉस्ट आगे देखेंगे, नेचुरल कॉस्ट क्या होता है। तो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो जहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट नॉर्मली एंटी लॉग में हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे भी एंटी लॉग में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो आप देखोगे ना, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर चालू हो रहे, डेसिमल के बाद नंबर चालू हो रहे, डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के आगे जो भी नंबर रहेंगे, डेसिमल के आगे जो भी नंबर रहेंगे वो एंटी लॉग में देखेंगे। कभी जब एंटी लॉग लिखा रहेगा, आगे लिखा रहेगा एंटी लॉग ऑफ, ऐसे लिखा रहेगा एंटी लॉग ऑफ। अभी ध्यान दो, पहले दो डिजिट रहेंगे, अगर मैं चार नंबर बात करो, चार नंबर ऐसे है 0.4562। तो पहले दो डिजिट रहेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे, ये वाले कॉलम में मिलेंगे। सेकंड जो डिजिट रहेगा वो यहाँ पे वाले इसमें मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक सेकेंड ना, पहले दो डिजिट रहेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे, उसके बाद सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट जो रहेगा वो यहाँ पे मिलेगा, और फोर्थ डिजिट रहेगा वो मीन डिफरेंस के कॉलम में मिलेगा। क्लियर है, सेम कंसेप्ट यूज़ करने वाले, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। देखते क्वेश्चन क्या है। तो मैंने कुछ बेसिक लॉग वाले टर्म्स की बात की है यहाँ पे, देख लेते क्या है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये एक्चुअली थोड़ा यूज़र इंटरफेस अलग है, तो थोड़ा मुझे आगे पीछे हो रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे, नॉर्मल टाइम पे तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे। तो देखते, तो सबसे पहले उन्होंने क्या मेंशन किया है, लॉग ऑफ 0.1314। तो ये वाला नंबर देखना है, डेसिमल के बाद वाला, क्योंकि यहाँ पे जो भी है वो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है, यहाँ पे जो भी मेंशन किया गया है वो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, पहले दो डिजिट जो है वो क्या है, पहले दो डिजिट है वो है
0.13, 0.13 यहाँ पे मिल रहा है देखो, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट है वो है, मैं दूसरे कलर से मार्क कर लेता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा, दूसरा जो डिजिट है वो 1 है, 1 यहाँ पे मिलता है, देखो ये 1 है। तो यहाँ पे जाऊँगा नीचे यहाँ तक, ओके, मतलब ये वाला नंबर, तो आएगा 1352। उसके बाद मीन डिफरेंस में तीसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर से 4, तीसरा नंबर 4 है, तो 4 यहाँ से जाऊँगा नीचे, यहाँ पे जाके रुकूँगा, तो कौन सा है 1, तो मीन डिफरेंस 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा 1352। 1352 लिखने के बाद ध्यान दो, अभी जब भी हम लोग एंटी लॉक लिखते तो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। वापस रिपीट करता हूँ, इसका आंसर आ रहा है 1353। तो जब भी हम लोग एंटी लॉक सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है, उसके बाद इनटू 10^2। यहाँ पे कितना है रे, यहाँ पे 0 है, 10^0, 10^0 1 होता है तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं वापस एक बार बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते, पहले ये दो डिजिट चेक करते, तो वो दो डिजिट का ये 1352 और ये 1 वाला जो तीसरा डिजिट है वो यहाँ से नीचे आ गया, तो ये 1352 वाला पार्ट यहाँ पे लिख लिया मैंने, देखो यहाँ पे, बराबर है। मेन डिफरेंस का पार्ट है जो 1 है वो भी यहाँ पे लिख लिया, सबको ऐड कर दिया। अभी उसके बाद ये वैल्यू आ रही है मेरी, ये वैल्यू आ रही है, बट यहाँ पे डेसिमल के पहले क्या है 0, तो 10^0। ये होता है बेसिक जो अपना रूल होता है किसके लिए, एंटी लॉक के लिए। तो एंटी लॉक का बेसिक रूल ये होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे का पार्ट क्या देखते हैं, तो एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो हम लोग लॉग में क्या करते हैं, लॉग में हम लोग उल्टा कर रहे हैं, लॉग में मैं फाइनल वैल्यू डायरेक्टली लिखता हूँ, 1.353 इंटू 10^0। तो मैं ये फाइनल वैल्यू डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1.353 इंटू 10^0। ओके, अभी देखते हैं एंटी लॉग ऑफ 1.0513 क्या है। ध्यान दो, सबसे पहले दो डिजिट जो रहेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे, 0.5 मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजिट था 1, वो यहाँ पे मिलेगा 1, बराबर है, मतलब इससे हम लोग नीचे जाएंगे तो क्या आएगा 1125। उसके बाद तीसरा जो डिजिट है वो है 3, वो यहाँ पे मिलेगा मेन डिफरेंस में, वापस नीचे जाएंगे कितना आएगा 1, देखो सेम लाइन में, तो 1125 में क्या ऐड करूँगा 1, तो आएगा 1126। मैंने क्या बोला, एंटी लॉग में पहले डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है, इनटू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 था, 10^0 कितना आ गया 0, यहाँ पे 1 है तो 10^0 कितना आएगा 1। सबको क्लियर है वाला पार्ट, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो आएगा 1126, क्लियर है, पक्का। आगे देखते हैं एंटी लॉग ऑफ 2.1467। तो पहले जो डिजिट है, मैं पहले ये रफ कर लेता हूँ, पहले दो डिजिट है वो मिलेंगे मुझे यहाँ पे, मिल गया। उसके बाद सिक्स जो डिजिट था, मतलब थर्ड डिजिट था, वो मिलेंगे। इसको डेसिमल को पकड़ना है आपको, ये नहीं पकड़ना है, ये वाला पार्ट नहीं पकड़ना है फिलहाल आपको, डेसिमल एंटी लॉग में डेसिमल के बाद। सिक्स नंबर यहाँ पे है तो ये नीचे जाएगा, आएगा 1410। उसके बाद सेवन है, सेवन कहाँ पे मीन डिफरेंस में, सेवन यहाँ पे, ये सिक्स है और ये सेवन है, सिक्स यहाँ पे आएगा, वो गलती से मिसप्रिंट हो चुका है शायद से, एक सेकेंड यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रुको एक मिनट, ये बन जाएगा
सिक्स, ये बन जाएगा सेवन, ये बन जाएगा एट और ये बन जाएगा नाइन। मिसप्रिंट हो चुका है, अभी सेवन बोला है तो 1400 के लाइन में, मतलब ये सेम सेम लाइन में मैं जाऊंगा नीचे, कितना नंबर आ रहा है, टू, तो प्लस टू ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 1402। एक डिजिट के बाद डेसिमल इनटू, यहाँ पे क्या बोला है टू, तो 10^2 क्या आएगा, टू, मतलब आएगा 1400.2। 10^2 होता है 100, 10 का सेकेंड पावर, 2 होता है 100, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 1400.2। क्लियर है यहाँ तक? अभी 3.0156, 3.0156 के पहले दो डिजिट, पहले मैं ये रफ कर लेता हूँ फटाक से, पहले दो डिजिट जो है वो कहाँ पे मिलेंगे वो देख लेते हैं। पहले दो डिजिट है वो 01 है, 01 मतलब यहाँ पे मिल गए। उसके बाद जो 5 वाला डिजिट है वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, बराबर है, तो यहाँ से यहाँ पे गया और यहाँ से नीचे गया, तो कितना है 101035। उसके बाद लास्ट जो डिजिट होता है वो हम लोग कहाँ पे देखते हैं, मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस में मतलब यहाँ पे, ये 6 है तो 6 का सेकेंड रो में कितना है 1, तो अगर 1 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 1036। एक डिजिट के बाद डेसिमल इनटू 10^2 कितना आएगा, ये कितना है 10^3, तो अगर मल्टीप्लाई करूँगा 10^3 होता है 1000, तो आएगा 1036। क्लियर है? मैं एक बार चेक करते लॉग एंटी लॉग ऑफ 3.0156 कितना आ रहा है, एंटी लॉग ऑफ 3.0156, एंटी लॉग ऑफ एक सेकेंड, एंटी लॉग इसमें, ओके, आप लोग एंटी लॉग अगर चेक करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इसमें आपके मोबाइल की गैलसी में हो जाएगा, तो शायद से यहाँ पे टैब में तो दिखा रहा नहीं है एंटी लॉग, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटी लॉग नहीं दिखा, तो एलएन का मत, अभी फ़िलहाल के लिए एलएन के बारे में मत सोचो, एंटी लॉग वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं, यहाँ पे दिया नहीं है एक्चुअली, तो एंटी लॉग सॉल्व करना है तो आपको समझ में आ गया क्या किया मैंने, तो ये वाला पार्ट हो गया एंटी लॉग वाला पार्ट। तो हम लोगों ने सबसे पहले लॉग का पार्ट देखा, लॉग क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, लॉग कैसे फाइंड आउट करना है वो देखा, और बाद में देखा एंटी लॉग। अभी ध्यान दो, मुझे एक चीज़ बताने है, ध्यान दो, लॉग के रूल्स थे पहले लॉग ऑफ ए इंटू बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, उसके बाद लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई बी का रूल था लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, बाद में लॉग ऑफ ए रेज टू बी का रूल था बी लॉग ऑफ ए, बाद में लॉग ऑफ वन का रूल था ज़ीरो, लॉग ऑफ के सॉरी बी टू द बेस बी होता 1, और लॉग ऑफ क्या बी टू द बेस बी रेस टू के था आंसर के। ये 6 रूल्स हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद लॉग टेबल का देखा, लॉग टेबल में अगर सपोज अगर नंबर दिया रहेगा 3.464, इसका लॉग निकालने को बोला रहेगा, तो हम लोग क्या करते, पहले दो डिजिट वो पहले वाले रो में देखते यहाँ पे, उसके बाद थर्ड डिजिट जो रहता है वो ये वाले रो में देखते, और जो फोर्थ डिजिट रहता है वो मेन डिफरेंस के कॉलम में देखते, और सबको हम लोग ऐड करते। इसमें क्या देखना है, इसमें ये ध्यान में रखना है कि डेसिमल के बाद 0. जो भी रहेगा वो नंबर लिख लेंगे, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, ये कितना डिजिट है, एक डिजिट है, नंबर 3 है पर डिजिट कितना है एक, माइनस 1 करेंगे 0. जो नंबर रहेगा वो आएगा। एंटी लॉक के टाइम पे अगर ऐसे दिया है 0.5126 ये दिया गया है, तो 51 वाला पार्ट है ये पहले वाले कॉलम में चेक करेंगे, 2 वाला पार्ट है जो ऊपर वाले इसमें चेक करेंगे, और 6 वाला पार्ट है वो मीन डिफरेंस में चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ज़ीरो, हम लोग जो नंबर लिखेंगे, सपोज मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू सपोज बता रहा हूँ मैं 2356 आ गया, तो हम लोग 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल पुट करते हैं, बराबर है, और यहाँ पे कितना है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 10^0। अगर यहाँ पे
अगर यहाँ पे गलती से यहाँ पे टू लिखा होता, तो टू लिखा होता तो यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे 10^2 आता था। क्लियर है आपको मैंने क्या किया है? तो हम लोग ने अब तक देखा लॉग के रूल्स, लॉगरिदम कैसे फाइंड आउट करना है और एंटी लॉग कैसे निकालना है, ये वाला पार्ट देखा। तो हम लोग आगे बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बाद में स्क्वायर रूट वाला पार्ट, ये बेसिक देखने वाले अगले वाले पार्ट में। तो अगला वाला पार्ट हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ रहेगा, यहाँ तक क्या हुआ है। आगे आगे थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो रूल्स लिखने, तो पहले रूल्स लिख के लो। मैं रूल्स डिक्टेट करता हूँ, तो रूल्स लिख के लो। फर्स्ट रूल लिख के ले लो, वेन एवर वी सॉल्व लॉगरिदम न्यूमेरिकल, वेन एवर वी सॉल्व कैलकुलेशन बाय लॉगरिदम, ऐसे लिखो, वेन एवर वी सॉल्व कैलकुलेशंस बाय लॉगरिदम, वी ऑलवेज टेक अ नोट दैट, वी ऑलवेज टेक अ नोट दैट एवरी नंबर शुड बी ग्रेटर देन वन, एवरी नंबर शुड बी ग्रेटर देन वन, इफ द नंबर इज ग्रेटर, इफ द नंबर इज लेस देन वन, देन मेक इट ग्रेटर देन वन, देन मेक इट ग्रेटर देन वन बाय शिफ्टिंग द डिजिट, बाय शिफ्टिंग द डिजिट। ओके, देख लेते, ध्यान दो यहाँ पे। ओके, ध्यान दो, ये वाला पार्ट लिखते, 1.743 इंटू 13.43। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, लिखेंगे हम लोग 1.743 इंटू 13.43। ये मुझे पता है लॉग ऑफ ए इंटू बी का फॉर्मूला है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो उसके हिसाब से लॉग क्या आएगा, ये लॉग ऑफ ए मतलब ये और बी मतलब ये, तो आएगा 17, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, 1.743 प्लस लॉग ऑफ 13.43। ओके, मुझे बताओ लॉग ऑफ 1.743 कितना आएगा। लॉग ऑफ 1.743 के लिए पहले दो डिजिट जो रहेंगे वो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, बराबर है। उसके बाद ये जाएगा 4 की तरफ, मतलब यहाँ पे आएगा, नंबर क्या है, 2405। मैं थोड़ा सा इसको और आगे कर लेता हूँ, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। 2405। अभी इसके बाद लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 3 है, 3 मतलब ये वाला पार्ट, तो मीन डिफरेंस वाला पार्ट ये है। तो कितना ऐड होगा, ऐड होगा 7। आप प्लीज़ लॉग टेबल में पेंसिल से मत करो, मैं यहाँ पे रफ़ कर सकता हूँ इसलिए मैं अलग अलग इससे रफ़ कर रहा हूँ, आप वैसे मत करना। तो क्या ऐड करना है मुझे, 7 ऐड करना है, तो 7 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, मैं इसका लॉग निकाल रहा हूँ, सिर्फ इसका ही लॉग निकाल रहा हूँ, तो आएगा 2405 प्लस 7, तो आएगा डेसीमल में 240, एक सेकेंड, डेसिमल में 2405 प्लस 7 करूँगा तो ये 10 और ये 12, तो आएगा 2412, डेसिमल आ गया। मुझे बताओ कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1, तो मैं लिखूँगा 1 - 1 कितना आता है, 0, तो यहाँ पे आएगा 0। तो लॉग ऑफ 1.743 की वैल्यू ये आती है, प्लस लॉग ऑफ 13.43, पहले दो डिजिट कहाँ पे देखेंगे हम लोग, पहले दो डिजिट, पहले जो दो दो डिजिट है वो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, बराबर है। उसके बाद सेकंड डिजिट जो है वो थर्ड डिजिट यहाँ पे देखेंगे, तो कुछ आ रहा है 1271, तो आएगा 1271। उसके बाद मीन डिफरेंस वाले में थर्ड डिजिट देखेंगे, फोर्थ डिजिट देखेंगे सॉरी, तो कितना आ रहा है, 10 दिख रहा है, तो इसमें 10 ऐड करो तो आ जाएगा ये 1 8
टू वन पॉइंट। मुझे बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? टू। टू माइनस वन कितना आएगा? वन। यहाँ पे आएगा वन। इसको मैं अगर ऐड करूँगा तो आ जाएगा टू प्लस वन थ्री, उसके बाद एट प्लस वन नाइन, इसके बाद टू प्लस फोर सिक्स, और ये वन प्लस टू थ्री पॉइंट। एक सेकेंड में थोड़ा सा ये बना देता हूँ, यहाँ पे जगह बना देता हूँ। ये वन प्लस ज़ीरो वन, इसका मुझे निकालना है एंटी लॉक। एक सेकेंड हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ये जो नंबर है, जैसे इसका एक सेकेंड, जैसे इसका मैंने लॉग निकाला, वैसे उसको रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग किसका निकालना है? एंटी लॉग ऑफ, किसका एंटी लॉग निकालना है? 1.3693। ये 1.3693 क्या करेंगे? 1.3693, तो पहले हम लोग जाएंगे, पहले दो डिजिट जो रहेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। एंटी लॉक की बात करें हम लोग, तो पहले दो डिजिट यहाँ पे मिलेंगे, मिल गया। एंटी लॉक में पहले डिजिट को भूल जाते हैं हम लोग, उसके बाद डेसिमल के बाद वाला चेक करते। तो 36 वाला पार्ट यहाँ पे, 9 वाला पार्ट कौन सा रहेगा? 9 वाला ये चालू होता है 0 से 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला पार्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पे आएगा 2 3 3 9, और उसके बाद कौन सा पार्ट है? 3 वाला पार्ट है। 3 वाला पार्ट कहाँ पे देखेंगे? मीन ऑफ डिफरेंस में 1 2 3, तो कितना ऐड होगा? 2 ऐड होगा। यहाँ पे 2 ऐड कर दिया तो आएगा ये 1, 1 ऐड हो गया, और ये 1 हो गया तो आएगा 4 3 2 पॉइंट। ओके एक सेकेंड ना, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। क्या आ रहा है? 2341, इसका एडिशन आ रहा है 2341। ये मुझे बताओ 2341 का मतलब, ये 0 पॉइंट था, 234 सॉरी 0 पॉइंट ने इसको ऐड किया था, तो ये 2.33 था। तो एक डिजिट के बाद, पहले डिजिट के बाद हम लोग पुट करते डेसिमल, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले डिजिट के बाद हम लोग पुट करेंगे डेसिमल। अभी मुझे बताओ एंटी लॉग में ये वाला टर्म क्या है? सॉरी एक मिनट, दूसरे मार्कर से कर लेते, थोड़ा नया है तो फिर थोड़ा मार्कर चूज़ करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये वन मतलब क्या आएगा? 10^1। अगर 10^1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 23.41। तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 23.41। इसका मतलब क्या है? 1.743 इंटू 13.43 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 23.41। चेक करते जनता, चेक करते आंसर सेम है कि नहीं। मैं उल्लू तो नहीं बना रहा हूँ, आंसर चेक कर लेते। 1.743 मल्टीप्लाइड बाय 13.43 आंसर आ रहा है 23.408। यहाँ पे देख लेते आंसर क्या है। मेरा आंसर है 23.41, वहाँ पे आंसर था 23.40, यहाँ पे आंसर है 23.41। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब बट ऑब्वियसली मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बट मैं मैथमेटिक्स को क्रेडिट दिए बिना नहीं हम लोग रह सकते, क्योंकि ये आपकी लाइफ को और सिंपल कर देते। देखो कैलकुलेशंस कितना बड़ा था और इसको कितना सिंपलीफाइड। मतलब ठीक है, लॉग एंटी लॉग आपको अभी के लिए टफ लगे कि यार सर लॉग लेना है एंटी लॉग लेना है, लॉग के रूल्स यूज़ करने, ये अभी के लिए टफ होगा। बट अगर एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे तो उसके बाद आपको ये और ईजी लगने लगेगा। आई होप ये वाला पार्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ रहेगा। सेकेंड न्यूमेरिकल के पास जब बढ़ते, सेकेंड न्यूमेरिकल क्या देखते। सेकेंड न्यूमेरिकल में बोला है उन्होंने 59.23 × 482.6। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, लॉक का एक मिनट मार्कर थोड़ा डार्क यूज़ करते, मतलब जरा अच्छा दिखेगा। अभी अपने पास एन नंबर ऑफ मार्कर्स है तो हम लोग कुछ भी कर सकते, कुछ भी क्या बोलूँगा। लॉग ऑफ 59.23 प्लस लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ बी होता है, लॉग ऑफ ए प्लस बी, तो लॉग ऑफ
82.6। पहले इसका लॉग निकालते हैं, क्या आएगा 59.23। 59.23 के पहले दो डिजिट रहेंगे वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ कर दी शायद से, 482 वो तो है बट 59 वाला पार्ट नहीं है। ओके 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 ओके, एक गड़बड़ हो गई है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते, मैंने ये यहाँ पे लॉग टेबल के पार्ट में 59 वाला पार्ट लिया नहीं, मैंने 55 तक वाला पार्ट लिया। कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते, अपने पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। ध्यान दो यहाँ पे, ये है, इसको थोड़ा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते। अभी एक और एक सिंप्लीफाई क्वेश्चन कर लेते, इसको इसको कुछ ऐसे लिखते, इसको लिखते 21.23। ये वाला क्वेश्चन देखते, 242.2 इंटू 21.23, देखते क्या आता है क्वेश्चन में। पहले आएगा लॉग ऑफ क्या, 242.2 प्लस लॉग ऑफ 21.23। ओके, पहले ये सॉल्व करेंगे, बाद में ये सॉल्व करेंगे। एडिशन वाला पार्ट है, रूल एडिशन वाला है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग ऑफ 242.2, पहले दो डिजिट जो होते हैं वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं उसके हिसाब से, और टू मतलब ये ज़ीरो, ये वन और ये टू, यहाँ से जाएंगे नीचे और यहाँ से जाएंगे राइट की तरफ, तो आता है 3838। और बाद में नेक्स्ट डिजिट जो मीन डिफरेंस वाला डिजिट है वो टू है, तो यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे टू आएगा, तो कितना है 4, तो 4 ऐड करूँगा इसमें, तो आएगा 3842। ओके, मुझे एक चीज़ बताओ, 3842 लिखा तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, बराबर है, ये कितने डिजिट है रे डेसिमल के पहले, 3, तो मैं करूँगा 3-1 जो होता है 2, तो यहाँ पे आएगा 2.3842 प्लस लॉग ऑफ 21.23। लॉग ऑफ 21.23 का पहले जो डेसिमल्स, दो डेसिमल्स रहेंगे वो मुझे मिलेंगे कहाँ पे, पहले रफ़ कर लेते, ये वाला पार्ट रफ़ कर लेते, मतलब थोड़ा और अपने को सिंप्लीफाई हो जाता है देखने में। पहले जो दो डिजिट थे वो मिलेंगे मुझे यहाँ पे। अरे भाई मार्कर, थोड़ी तकलीफ़ होने वाली स्टार्टिंग में, क्योंकि आई एम गेटिंग यूज टू दिस न्यू कंसेप्ट। पहले दो डिजिट 21, उसके बाद सेकंड डिजिट यहाँ पे, तो ये आएगा 3263, तो आएगा 3263। उसके बाद थर्ड डिजिट 3 यहाँ पे, मेन डिफरेंस वाला, तो थर्ड डिजिट यहाँ पे, तो ये वाला 6 वाला पार्ट आएगा, तो ऐड करूँगा कितना 6, तो आएगा 3269। यहाँ पे डेसिमल, अभी मुझे बताओ यहाँ पे डिजिट कितने हैं, यहाँ पे डिजिट है 2, तो आएगा 2-1 कितना आएगा 1। अभी ऐड करो, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, 6+4 10 11, 8+2 एक सेकेंड 11 आ गया, उसके बाद एक मिनट 9+2 11, 1, 6+10 5 11, 1 वापस 11, 1, 3+3 6 7, और ये आएगा 1 पॉइंट। ओके, 1 नहीं आएगा, सॉरी जनता, सॉरी, गलती हो गई, 2+1 आएगा, अरे भाई साहब, यहाँ पे आएगा 3, तो आंसर आएगा 3.711। बट इसका क्या निकालना है मुझे, एंटी लॉग, क्योंकि लॉग तो निकाल चुके हम लोग, अभी हम लोग क्या निकालना है, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में पहले ये वाले डिजिट्स देख लेते, पहले दो डिजिट जो रहेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे मुझे, एक सेकेंड थोड़ी गड़बड़ हो गई, अरे भाई साहब, पहले जो डिजिट थे वो यहाँ पे मिलेंगे, बाद में तीसरा डिजिट जो रहेगा वो 01 यहाँ पे मिलेगा, मतलब 5140। उसके बाद चौथा डिजिट मीन डिफरेंस में यहाँ पे, मतलब +1 ऐड करूँगा, तो ये आएगा 5141। हम लोग
एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते इंटू ये क्या है 10^3। 10^3 मतलब होता है 1000, तो आंसर आएगा 5141। ये मेरा फाइनल आंसर है इस मल्टीप्लिकेशन का, ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर है? 242.2 मल्टीप्लाई बाय 21.23, चेक करते क्या है जनता, चेक करते। हम लोग डायरेक्टली तो ये नहीं कर सकते, तो 242.2 देखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मल्टीपल टैब्स एक साथ नहीं ओपन कर सकता। मल्टीप्लाई बाय 21.23 मल्टीप्लाई बाय 21.23 ये आ रहा है 50। एक सेकेंड 21.23 ये आ रहा है 5141 और मुझे आ रहा है 5141। देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, नहीं नहीं देखो देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है 5141। अभी बोलोगे सर ये क्या है, ये क्यों आ रहा है। चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत एरर समझ में आता है, थोड़ा बहुत एरर चल जाता है। क्लियर है आपको ये वाला पार्ट? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट। तो ये लॉगरिदम का मल्टीप्लिकेशन वाला लास्ट वाला पार्ट रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिवीजन वाले बात करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन का लास्ट वाला पार्ट है। तो मैंने रूल नंबर 1 में बोला था कि कभी भी कोई चीज़, कोई भी नंबर को जीरो के टर्म्स में मत रखो। जीरो के टर्म्स में नहीं रखना है, मतलब क्या करना है देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जीरो वाला टर्म है, तो इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, मतलब कितना डिजिट, 1 2 3। तो तीन डिजिट चेंज किया, 3 4 6.4 इंटू 3.124 इंटू 10^2। ये तीन डेसिमल शिफ्ट किया, छोटे से बड़ा नंबर पे गया, छोटे से बड़ा नंबर पे गया, तीन डेसिमल शिफ्ट किया, तो 10^-3 आएगा। 1 2 3 तीन डिजिट शिफ्ट किया तो 10^-3 आ गया। अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर आएगा। तो अभी हम लोगों को सॉल्व करना है इसको, फिलहाल के लिए इसको कैलकुलेशन के बाहर रख दो, एंड में लेके आना है इसको, एंड में लेके आना है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है बट कैलकुलेशन के बाहर। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा, लॉग ऑफ 3 46.3 प्लस लॉग ऑफ 3.124। चेक करते लॉग क्या आता है। तो लॉग ऑफ 3 46.3 तो 34 का 6 ये 0 1 2 3 4 5 6 तो आएगा 5391 और उसका 3 मतलब 1 2 3 कितना आ रहा है ये 4 ऐड किया तो ये आएगा कुछ आएगा ये 5395 बराबर है। एक सेकेंड थोड़ा जनता हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 5395 डेसिमल लिख लिया। अभी मुझे बताओ डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, 3 तो 3 - 1 कितना आएगा 2 तो यह पाएगा 2.5395 ये इसका लॉग आ गया। लॉग ऑफ 3.124 गलती से इधर उधर हो जाता है। ओके लॉग ऑफ 3.124 31 मतलब ये वाला पार्ट बराबर है, 3 1 2 2 मतलब ये वाला पार्ट बराबर है, और 4 वाला मतलब 1 2 3 4 मतलब ये वाला पार्ट। तो 4942 में कितना ऐड करेंगे 6 तो आएगा 4948 डेसिमल। कितना डिजिट है 1 1 - 1 कितना आएगा 0 तो आएगा 0 ऐड करूँगा तो आएगा ये एक मिनट 8 + 5 13 1 9 + 4 13 1 14 1 10 और 3 10 और 3 13 1 0 1 3.0343 3.0343। इसका निकालना क्या है मुझे, इसका निकालना है मुझे एंटी लॉक। अभी एंटी लॉक की वैल्यू क्या रहेगी, याद रखो ये तो मल्टीप्लाई करना ही है एंड में, तो एंटी लॉक ऑफ 0343 क्या रहेगी, ये 0343 मतलब ये पहले ये वाला पार्ट
एक सेकेंड जनता, थोड़ा स्टार्टिंग में ये हो रहा है। 0 3 4 मतलब ये वाला पार्ट और 3 मतलब ये वाला पार्ट। तो पहले हम लोग जाएंगे इस तरीके से, ये आ गया यहाँ पे, तो आ गया 1 0 8 1। वापस आगे जाएंगे और वापस ये नीचे आएगा, तो आएगा +1, तो आएगा 1 0 8 2, तो आएगा डेसिमल। मुझे बताओ डेसिमल, हाँ एक सेकेंड ना, डेसिमल कितने डिजिट के बाद डालते हैं हम लोग? एक डिजिट के बाद। इनटू ये क्या है? 10^3। ये मुझे एक चीज़ पता है, मुझे एक चीज़ पता है, यहाँ पे 10^-3 है, वो एंड में मल्टीप्लाई किया 10^-3। मुझे एक चीज़ बताओ, 10^-3 और 10^+3 कैंसिल। देखो ना, 10^-3 इंटू 10^-3, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। +3 -3 कितना आएगा? 10^-0। 10^-0 कितना होता है? 1। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर कितना आएगा? एक सेकेंड एक सेकेंड, जनता जनता जनता, इसका आंसर आएगा 1.082। 10^2 ये जो इसका आंसर रहेगा 1, तो आंसर रहेगा 1.082। तो फाइनल आंसर है 1.082। चेक करते हैं हम लोग इसका आंसर क्या है डायरेक्टली। हम लोग तो साइंस बोलता है प्रूफ, तो प्रूफ तो दिखाएंगे हम लोग, साइंस को प्रूफ लगता है। तो हम लोग देखेंगे 346.4, 346.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.003124, 0.003124, ये आ रहा है कुछ 1.082, 1.082। देखते हैं क्या है, 1.082 आता है कि नहीं। आ गया मेरा 1.082। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक सेकेंड, इसको मैंने जीरो में नहीं रखा, जीरो पॉइंट में डेसिमल को शिफ्ट किया और बाद में सॉल्व किया। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझा रहेगा, किसका न्यूमेरिकल है ये, मल्टीप्लिकेशन के न्यूमेरिकल से, मल्टीप्लिकेशन के न्यूमेरिकल्स नहीं, मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशंस है। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पावर्स वाले पार्ट, डिवीजन वाला पार्ट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉम्बिनेशन का। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया रहेगा और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे रहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि ये डिजिटल लर्निंग वाला पार्ट आपको कैसे लगा। मैंने ब्लैक बोर्ड को पूरा तरीके से शिफ्ट कर दिया है, पूरा तरीके से मैंने उसको चेंज किया है थ्रू डिजिटल लर्निंग, डिजिटल बोलते ना कि बोर्ड से हम लोग ने शिफ्ट कर दिया है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।